मैं हूं गीत और आप देख रहे हैं धम चिक। सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म आई है केसरी, आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। ये डायलॉग केसरी फिल्म का सबसे कनेक्टिंग डायलॉग है। भारत देश प्रेम से गुजर भी रहा है और होली पर इस तरह की फिल्म लाकर मेकर्स ने देश प्रेम को और ऊंचा कर दिया है। फिल्म की स्टोरी हवलदार ईसर सिंह से शुरू होती है। भारत में अंग्रेजों का राज है और ईसर सिंह रेबल तो नहीं है, लेकिन उसकी दया फिल्म में उसकी एंट्री का टर्निंग पॉइंट है। ईसर सिंह अपने अंग्रेज ऑफिसर की मर्जी के खिलाफ एक औरत को अफगान बने राकेश चतुर्वेदी के हाथों मरने से बचा लेता है और इसकी पनिशमेंट यानी सजा उसे मिलती है। ईसर सिंह को ट्रांसफर करके गुलिस्तान फोर्ट से सरागढ़ी फोर्ट भेज दिया जाता है। यहाँ 21 सैनिकों का छोटा सा ग्रुप सिक्योरिटी में लगा है। सारे सैनिक इनडिसिप्लिन्ड हैं और उन्हें एक करना, डिसिप्लिन सिखाना ईसर सिंह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। सभी सिख सैनिक अपने घरों से दूर इस पोस्ट पर पोस्टेड हैं। फिर अफगानों का हमला सरागढ़ी फोर्ट पे होता है। ये लड़ाई 12 दिसंबर 1897 को लड़ी गई थी और वो भी सच में। सरागढ़ी फोर्ट की इस पोस्ट पर सिर्फ 21 इंडियन सोल्जर्स पोस्टेड थे, जबकि इन 21 सैनिकों पर 10,000 अफगानों ने हमला किया था। 21 सैनिकों ने भागने की जगह ये हिस्टोरिकल फाइट की और सभी इसमें शहीद हुए, लेकिन अफगानों की कमर तोड़ दी थी। इस लड़ाई में 600 लोगों की मौत हुई थी और 4,800 लोग घायल हुए थे। इस कहानी ने होली पर सबको देश प्रेम में रंग दिया है। शुरू में फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इंटरवल के बाद फिल्म लोगों को पलके हिलाने का मौका भी नहीं देती। अक्षय कुमार कॉस्ट्यूम से लेकर एक्टिंग में शानदार है। परिणीति चोपड़ा सिर्फ अक्षय कुमार के सपनों में आती हैं। मतलब परिणीति कब एंट्री करती हैं, कब चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। परिणीति को अच्छा स्पेस नहीं दिया गया है। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने स्क्रीन प्ले को थोड़ा मुश्किल से समझ में आने वाला बना दिया है, लेकिन फिर भी कहानी से कनेक्ट होना ही पड़ता है। अक्षय के अलावा बाकी सभी आर्टिस्ट ब्रिलियंट हैं। फिल्म सच में एक रिस्क थी, क्योंकि स्टोरी दो लाइनों में खत्म होने वाली है, लेकिन अनुराग ने इसे 2.5 घंटे की बना ली है, जो बहुत खास बात है। लेकिन फिल्म का लूप होल भी है। अनुराग का डायरेक्शन जिमी शेरगिल की रकीब से अच्छा हो गया है। अंशुल चौबे की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जो फिल्म में दिखती भी है। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, पर तेरी मिट्टी सॉन्ग के अलावा बाकी गाने इम्प्रेस नहीं करते। म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करें तो 8 म्यूजिक डायरेक्टर्स मिलकर भी म्यूजिक में कमाल नहीं कर पाए। हो सकता है यही इसका लूपहोल भी हो। फिल्म का बजट 80 करोड़ है, लेकिन पहले हफ्ते में कवर होना अभी मुश्किल लग रहा है। फिल्म देखने जाएं तो साथ में बाजार के कई कामकाज भी साथ ले जाएं, क्योंकि एक बजट में फिल्म के लिए जाना सही नहीं होगा। बॉलीवुड की सभी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगली खबर तक धम चिक मचाते रहिए। शुक्रिया।